भदोही में गठबंधन की चुनावी रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मायावती ने कहा कि बीजेपी की नैया इस चुनाव में डूब जाएगी। मोदी लहर को हवा हवाई बताते हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम आने का भी उन्होंने दावा किया और साथ ही आजमगढ़ से आए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रमाकांत पर बीजेपी से मिली भक्त का आरोप लगाया। दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी रमाकांत से सवाल किया कि अगर हमारे मान सम्मान का इतना ही ख्याल था तो बताएं नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव क्यों लड़े।